गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना, समझा फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। गीत का अर्थ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुना और जाना, समझा भी फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते, परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं है। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं। परमात्मा की महिमा गाते हैं, जानते नहीं, और ही सर्वव्यापी कह देते हैं। जबकि उनको कहते हैं पतित पावन आओ, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। भारत पावन था, अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में है। जानते हो हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जानते हैं कि बाबा हमको फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं। यह है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वह यात्रा चली आती है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे वही ब्राह्मण बने हैं, फिर 100 देवता बनेंगे। बाप ही बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। बाहर के लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, गाते हुए भी समझते नहीं हैं। अभी बाप हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति समझाते हैं। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म कैसे होंगे? अकर्म होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बाकी सब शांति धाम में थे। ये तो बड़ी सहज बात है, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, ये समझना सहज बात है। ये तो बड़ी सहज बात है कि भारत सुख धाम था, संपूर्ण निर्विकारी था, जिन्हों का देवी देवता नाम मशहूर है दूसरा कोई नाम नहीं लेते। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी, फिर उन्हों की डिनास्टी कहा जाता है। इतनी और किसकी डिनास्टी नहीं चलती है जितनी लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता की डिनास्टी चलती है, उतनी और किसी की डिनास्टी नहीं चलती है। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है,
पहले बादशाही नहीं होती थी, आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाती है तब राजाई चलती है। एडवर्ड जॉर्ज आदि फिरते रहते हैं, एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, जॉर्ज फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाबा कहे ऐसे उनके नाम फिरते रहते हैं। थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। ये एक ही डिनास्टी है जो 1250 वर्ष चलती है, इसमें बदली सदली नहीं होते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी वालों का ही नाम चलता है। समझा जाता है भिन्न नाम रूप देश काल होंगे, लंबी चौड़ी डिनास्टी चलती है, चेंज नहीं होती है। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं। तुम बच्चे कभी किसको दुख नहीं दो। यहां तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो। अब सत्युग त्रेता की अकर्म की बातें तो समझ ली, अब बाबा कहे तुम बच्चे कभी किसी को दुख न दो, यहां तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो। अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं, घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। यहां जब तक मां बाप परवरिश करते हैं उन्हों के भी कर्म की गति न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते हैं सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, वह भी जैसे वारिस हो गए। हां बाबा जानता है, हां डिफिकल्टी जरूर होती है, ट्रस्टी समझकर चलने में डिफिकल्टी जरूर होती है। जब सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं, जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी हैं। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं। बाबा क्या कहते हैं इसमें डिफिकल्टी क्या है, सब ममत्व छोड़कर सब कुछ अर्पण कर जीते जी ट्रस्टी बन जाना, लेकिन ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं है। जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं, भाई हमारी प्रॉपर्टी को ये संभाले, यहां सरेंडर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। यह तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है, अभी बाप कहते हैं बच्चे यहां तुम सन्मुख बैठे हो, अब देह सहित जो भी तुम्हारा है उनसे ममत्व निकालना है। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, जिसके लिए कहते आए सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है, जब वह आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहां तो इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है, बाबा को कोई जायदाद आदि बनानी नहीं है, यह कोई लेने वाला नहीं है देने वाला है।
बाबा देने वाला है। कहते हैं ट्रस्टी बन पूछते रहना, श्रीमत क्या मिली, ट्रस्टी बनकर फिर पूछते रहना, क्योंकि भूल चूक कभी ना हो। इसलिए बाबा कहे ट्रस्टी होकर संभालो, फिर पूछते रहना ताकि कोई भी भूल चूक आदि ना हो, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है, बाबा जानता है टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं, यहां रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं, समर्पित भी ट्रस्टी बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं रिटर्न में वैकुंठ की बादशाही देता हूं, तुम्हें दूसरा जन्म अमर लोक में लेना है। ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। पहली बात बताई, ट्रस्टी होने के लिए ममत्व बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरी बात बाबा ने बताई, बीच बीच में पूछते रहो ताकि कोई भूल चूक ना हो। तीसरी बात बाबा कहे ट्रस्टी होकर के फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने, वारिस बनते हैं। कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, चंद्रवंशी के अंत में। तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते हैं। उन्नति को पाने का आधार श्रीमत है, तो बाबा कहे कई ऐसे हैं जो उन्नति को नहीं पाते हैं। फिर समझा जाता उनकी तकदीर में शायद कुछ नहीं है, उनकी तकदीर ही ऐसी। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे, सो भी रहेंगे तो पद पा लेंगे। निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बाबा कहे बहुत है जो जामड़े हैं, मोटी बुद्धि एकदम बोने हैं, वृद्धि को पाते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं, यहां कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं। बाबा कहे ऐसे जामड़े समझते नहीं, यहां कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते, तो विकर्म वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम भी कहेंगे यह तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना, समर्पित के लिए बाबा कहते गृहस्थियों का ट्रस्टीपन में कैसे रहना है, तीन बातें समझा दी। फिर समर्पित के लिए के यहां रहते कर्म बहुत अच्छे करने होते हैं, यहां रहते अगर कर्म अच्छे नहीं किया तो विकर्म वृद्धि को पाते जाते, ये इसकी गुह्य गति है। तुम भी कहेंगे ये तो ड्रामा का पार्ट हुआ, यह भी चाहिए जरूर जो राजाए के अंदर रहते नौकरी आदि करते रहेंगे। बाबा ने अच्छा शब्द यूज किया, नौकरी करते रहेंगे, दास दासी नहीं कहा, वो नौकरी करते रहेंगे। नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में राजाए पाएंगे।
ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं, पद भी नीचा मिलता है। इसलिए समझाया जाता है ऐसे ऐसे विकर्म नहीं करो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते हैं, पढ़ते नहीं, ये कर्म की गुह्य गति देखो कैसी है। कितनी बाबा ने सावधानी दी है आज की मुरली में कि सर्विस करते नहीं, खाते हैं, पढ़ते भी नहीं, यह कर्म की गुह्य गति देखो कैसी है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो स्वर्ग की राजाई पा सके। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने गरीब फिर पापी अजामल जैसे भी बन जाते हैं, यहां भी ऐसे बनते हैं। कोई तो बादशाह बनते, फिर कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते हैं। ऐसे भी है, बाप अच्छी तरह जानते हैं, यहां रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो नशा भी नहीं रहता है। कर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है। मैं शाहूकार निवास तो नहीं हूं। अक्सर करके माताएं गरीब होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, वह कोई हाफ पार्टनर नहीं है, नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उन्हों का भी निकालते, लेकिन सारा कुछ लोग बच्चों को दे देते हैं, हाफ पार्टनर का होते हुए भी नहीं निकालते हैं। घर के तो बच्चे ही वारिस होते हैं, बल गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले हैं। अभी तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है, कुमारियां अक्सर करके गरीब होती है। जब तक ससुर घर जाए, विकार का सौदा हो तब मिले, यह तो है ही विशेष वर्ल्ड, तब उनको अपनी मिल्कायत का हिस्सा मिलता है, ये तो है ही विशेष वर्ल्ड। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, यह किसको पता नहीं है, जो निर्विकारी है वही फिर विकारों में गिरते हैं। भगत लोग तो समझते हैं कि कृष्ण हाजरा हजूर है, भगवान कभी मरता नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेता। तुमको तो अभी ज्ञान है, जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे, सीता राम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे, यह भी अभी रोशनी मिली है। बाबा कहे यह भी अभी ज्ञान की रोशनी मिली है। तो बाप समझाते हैं जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो है दुर्गति में ले जाने वाला, सबसे पहले है देह अभिमान। ये बाबा कहे
सबसे पहले दुर्गति में ले जाते, अच्छे कर्म करने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है कौन सा? अच्छा कर्म करने नहीं देने वाली है देह अभिमान। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, अपनी जांच करते रहना है। कोई विकार तो नहीं आया, लोभ भी नहीं करना है। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखे? हमको जो बाप कहते हैं वह करते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह देखते हैं ना, पोतामिल भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते हैं तो कुछ न कुछ 15-20 रुपया बचाकर भी देते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। बाप राय भी देते हैं, थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5-2-10 बैंक में रखो। बड़ी दादी जी भी बताती थी हमेशा कैसे 4 भाग करके चलना। बाबा भी कहते बहुत है तो बैंक में रखो, 5-2-10 बैंक में रखो। तो श्रीमत मिली ना, कैसे घर गृहस्थ में रह करके चलना है। बाबा श्रीमत कितना क्लियर देते हैं, दुनिया में जो गुरु लोग होते इतना क्लियर श्रीमत नहीं दे सकते हैं जितना क्लियर बाप देते हैं। कल हम अहमदाबाद में गए थे तो देखा चारों ओर गुरु पूर्णिमा के कारण, 3 तारीख गुरु पूर्णिमा थी, तो चारों ओर कई जगह गुरुओं का फोटो लगा हुआ, गुरु पूर्णिमा महोत्सव और क्या सजे हुए। तो बाबा कहे कि देखो ये लोग किस तरह चलते हैं, वो श्रीमत नहीं दे सकते। और बाबा हम बच्चों को कितनी अच्छी श्रीमत देते हैं। तो श्रीमत मिली ना, पेट को पट्टी बांध कर भी शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारे रहने करने के प्रबंध में लगाते हैं। शिव बाबा क्या करेंगे? तुम्हारे रहने करने के प्रबंध में लगाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है, यह इकट्ठा क्यों करेगा? ब्रह्मा बाबा ने खुद अपना दान कर दिया तो इकट्ठा क्यों करेगा? जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया है, सब कुछ दे दिया। यह बच्चियां फिर 21 जन्म के लिए वर्षा पाती है। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का गृहस्थ धर्म पवित्र था। अभी तो पतित बन गए हो, तब बाबा समझाते हैं, यह भी ट्रस्टी हो गया ना, तुम माताओं को ट्रस्टी बना लिया, तुम यह संभालो, ममत्व टूट गया। बाबा ने दे दिया ट्रस्टी, उनको बना दिया और खुद का ममत्व टूट गया। बाप ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा शिव बाबा कहते मेरा अकेला बच्चा है ब्रह्मा बाबा। ऐसा बच्चा बाबा को दूसरा कोई अभी तक मिला नहीं, जिसने सब कुछ दे दिया, ट्रस्टी माताओं को बना दिया और खुद का ममत्व टूट गया। बाप ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते हो, विनाश की तैयारियां भी देख रहे हैं, परंतु यह कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है।
कोई प्रेरक जरूर है, ये कहते हैं कोई प्रेरक जरूर है, समझते भी है कि विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा, कृष्ण कैसे आए, भल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते, परंतु वह तो आर्टिफिशियल हो जाता है। कृष्ण के रूप में कईयों को सजाते हैं, लेकिन बाबा कहे तो आर्टिफिशियल हो जाता। बहुत है जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं, है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन कृष्ण के रूप में फोटो निकाल करके बोर्ड पर लगाए थे। कोई काफिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता है तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है, और फिर जाकर उनको चटकते हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का। उनमें कशिश बहुत है, बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। बाप बैठ समझाते हैं कर्मों के ऊपर, कितनी अच्छी गुह्य गति बाबा ने समझाई गृहस्थियों के लिए, समर्पित के लिए, और ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर। बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते हैं, या कुछ समझते ही नहीं है, कर्म ऐसे करते हैं जो विकर्म ही होता है, देह अभिमान बहुत रहता है। बल शिव बाबा कहते रहते हैं, ऐसे तो शिव बाबा के भगत बहुत है, काशी में भगत बैठे हैं, उन्हों का यह मंत्र है शिव काशी विश्वनाथ गंगा, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, समझते हैं गंगा इनसे निकली है, इसलिए गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं, समझते हैं हम वहां मुक्त हो जाएंगे, शिव काशी उच्चारते हैं, फिर दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे? पतित पावन को तो पुकारते हैं ना, वह कौन है? कैसे सहज राजयोग सिखाते हैं ये कोई जानते नहीं। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है यह भी तुम जानते हो, तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद है, वह होती है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। बाप कहते रहते हैं बच्चे घर को याद करो, यह छीछी दुनिया है, छीछी पुराना शरीर है, मैं तुम्हारा बाप, तुमको वापस ले जाऊंगा। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं, इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उनकी आत्माएं कहां जाएंगी? अपने अपने धर्म के सेक्शन में, परमधाम में अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेंगी। उसे कहा ही जाता है निराकारी दुनिया, वर्ल्ड उसको कहा जाता जहां बहुत रहते हैं। अगर कहे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो हुई नहीं, गाया जाता है निराकारी दुनिया जिसमें आत्माएं रहती हैं, जिनको फिर पार्ट बजाने आना है। यह अविनाशी ड्रामा है, प्रलय तो कभी भी होती नहीं है।
सतयुग से कलयुग तक मनुष्य की वृद्धि होती जाती है, वहां दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। यहां तुमको नॉलेज का मालूम है, वहां सतयुग में नॉलेज नहीं रहती है। इस समय तो बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा हमें अपने समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।